गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आज मैं आपको चैप्टर 9 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगी, इंग्लिश ग्रामर का। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। नाउन या प्रोनाउन, नाउन पता है, नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, वो नाउन होते हैं। अब जो उन नाउन्स की क्वालिटी बताएं वो होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और इन्हीं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं लिखा होगा, वहाँ एडजेक्टिव लिखा होगा। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। अब विशेषता बताना क्या हुआ? मतलब किसी की भी क्वालिटी बताना कि वो कैसा है, किस शेप का है, किस कलर का है, किस साइज का है, अच्छा है, बुरा है। तो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो भी बात बताई गई हो, चाहे उसके शेप, साइज, कलर, किसी भी चीज के बारे में, तो जो बात बताई गई हो वो होते हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। चलिए बुक में देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो द पिक्चर्स। कहा गया है कि ये जो पिक्चर्स हैं इसको देखिए और जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है ना, देखिए पिक्चर्स में उसके नीचे, उसको पढ़िए। जैसे रेड अम्ब्रेला फर्स्ट लिखा है, किसकी पिक्चर बनी हुई है? अम्ब्रेला की पिक्चर बनी हुई है ना, अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला कैसा है? रेड है, रेड अम्ब्रेला लिखा है। तो यानी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ ना भाई, कोई सामान हुआ, वस्तु हुआ, तो अम्ब्रेला तो हमारा नाउन हो गया। अब अम्ब्रेला के बारे में क्या बात बताई गई? अम्ब्रेला कैसा है? रेड है, यानी रेड कलर का है ना अम्ब्रेला, तो रेड हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड। सेकेंड, ब्यूटीफुल फेरी, फेरी मीन्स परी। अब ब्यूटीफुल फेरी यानी फेरी कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो फेरी के बारे में कौन सी क्वालिटी बताई गई कि वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसी तरह है आगे क्लाउडी स्काई, स्काई मीन्स आकाश। अब आकाश, आसमान, बादल कैसे हैं? क्लाउडी है, आसमान में कैसे बादल है? क्लाउडी, क्लाउड है, तो क्या क्या हो गया? क्लाउडी हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो स्काई के बारे में बता रहे ना कि आकाश कैसा है, बादल वाला है। नेक्स्ट है शार्प नाइफ, किसकी पिक्चर बनी हुई? चाकू की, नाइफ। अब नाइफ तो नाउन हो गया, वस्तु हो गया ना, लेकिन नाइफ कैसा है? शार्प है, धार वाला है, तो शार्प हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ ना। लेडी, देखो नेक्स्ट में लेडी की पिक्चर बनी हुई है ना, एक औरत की पिक्चर बनी हुई है। लेडी, लेडी कैसी है? फैट लेडी, फैट यानी मोटी लेडी, मोटी औरत, तो लेडी कैसी है? वो मोटी है, तो लेडी के बारे में कौन सी क्वालिटी बताई गई कि वो मोटी है? थिन भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेडी की क्या क्वालिटी बताई गई कि वो मोटी है, तो फैट हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, भाई लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है ना। नेक्स्ट, डर्टी क्लोथ्स, देखो कपड़े रखे हुए हैं, शर्ट रखी हुई है, वो भी क्या है? डर्टी, गंदा है ना, तो शर्ट कैसी है, कपड़े कैसे हैं? गंदे हैं। क्लोथ्स कैसे हैं? डर्टी, तो डर्टी हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो उसकी क्वालिटी बता रहे हो, किसी वस्तु की, किसी पर्सन की या किसी थिंग की, वो होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, इसमें आपको आंसर्स करने हैं। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का क्या कलर है? रेड है ना, रेड लिख दिया। हाउ डज द फेरी लुक, फेरी कैसे दिख रही है? ब्यूटीफुल दिख रही है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ब्यूटीफुल। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्काई, स्काई की कंडीशन क्या है, आकाश की स्थिति क्या है? क्लाउडी है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? क्लाउडी। हाउ इज द नाइफ, नाइफ कैसा है, नाइफ कैसा है? शार्प है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? शार्प। और देखो ये सब क्या है, हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि नाइफ, नाइफ की क्वालिटी क्या बता रहा है? शार्प है। स्काई की कंडीशन क्या है? क्लाउडी है। फेरी कैसी दिखती है? ब्यूटीफुल दिखती है। अम्ब्रेला कैसा है? रेड है। तो ये सब क्या है, हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। हाउ डज द लेडी लुक, लेडी कैसे दिखती है, कैसे दिखती है?
फैट दिखती है ना, फैट लिखेंगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कैसे कपड़े गंदे है ना, तो हम क्या लिख देंगे, डर्टी। ये सब हमारे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट पेज, ऑल द वर्ड्स रिटन बाय यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट नाउन्स। ये जितने भी वर्ड्स आपके द्वारा लिखे जाएंगे ये क्या होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट नाउन, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं ना कि वो कैसा है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसके बारे में बता रहे हैं ना। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड टेल अस मोर अबाउट देम आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी कि वो शब्द जो नाउन के बारे में बताते हैं, टेल अस मोर अबाउट देम, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तब उनकी क्वालिटी बताते हैं और उनके बारे में बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। फर्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सुइटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देखिए एडजेक्टिव्स मैंने बताया था ना, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और ऊपर ये हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिखे, लिटिल, रेड, ग्रीन, वेट, स्वीट, ब्लू, प्रिटी, हॉट, ईजी, डर्टी, ये वर्ड्स आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज डन, आपके लिए पहला कर दिया है, पेन, पेन कैसा है, रेड, रेड कलर का है ना पेन। अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला कैसा है, उसमें आपको फिल करना है। अब देखिए अम्ब्रेला किस कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे अम्ब्रेला कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है ना, अम्ब्रेला का कलर क्या है, ब्लू है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, ब्लू। हेयर, हेयर कैसे है उस लड़की के, अब देखो लॉन्ग तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, उसके हेयर कैसे हैं, वेट, वेट मींस गीले, तो हम हेयर के में क्या फिल करेंगे, वेट हेयर। क्लोथ्स, क्लोथ्स कैसे हैं, देखो गंदे दिख रहे हैं ना, तो डर्टी क्लोथ्स। केक, केक कैसा होगा, स्वीट होगा है ना, ग्रीन तो होगा नहीं, तो हम क्या फिल करेंगे, स्वीट केक। बुशेस, जो झाड़ियां हैं कैसी हैं, कैसे दिख रही हैं, देख के बताइए, ग्रीन, ग्रीन दिख रही है ना, तो हम यहाँ क्या फील करेंगे, ग्रीन बुशेस। वाटर, अब कोल्ड तो है नहीं ऑप्शन में, हॉट है, तो हम क्या क्वालिटी बताएंगे वाटर की, हॉट वाटर। क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ग्रीन हो नहीं सकता, रेड हो नहीं सकता, प्रिटी हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, ईजी, ईजी क्वेश्चन। डॉल, डॉल कैसी है, प्रिटी यानी प्यारी, अच्छी दिख रही ना, सुंदर दिख रही डॉल, तो प्रिटी डॉल। और बर्ड, बर्ड कैसी है, छोटी सी है ना, तो लिटिल बर्ड। एक्सरसाइज टू, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपको क्या करना है, एडजेक्टिव्स में अंडरलाइन करना है। जैसे देयर इज अ ब्यूटीफुल फेरी, एक ब्यूटीफुल फेरी है, सुंदर फेरी, तो फेरी कैसी है, ब्यूटीफुल है, उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्यूटीफुल, सुंदर। सेकेंड, ग्रीन ग्रास इज ग्रोइंग एवरीवेयर, हरी ग्रास हर जगह उग रही है। अब ग्रास, ग्रास कैसी है, ग्रीन है, उसकी क्या क्वालिटी बता रहा है ग्रास की, कि वो हरी है, तो ग्रीन हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। थर्ड, स्मृति इज वियरिंग अ गोल्डन रिंग, स्मृति ने सोने की रिंग पहनी हुई है, तो रिंग कैसी है, किस चीज की बनी है रिंग, जो उसकी क्वालिटी बता रहे ना रिंग की, तो गोल्डन रिंग उसने पहनी, स्मृति ने कैसी रिंग पहन रखी है, गोल्डन रिंग, और रिंग कैसी है, गोल्डन है, तो गोल्डन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गई, क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। फोर्थ, दिस बुक इज वेरी थिन, यह बुक बहुत पतली है, तो अब देखो बुक के बारे में कौन सी बात बताई गई है, कि बुक कैसी है, बहुत पतली है, तो थिन, थिन हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। फाइव, इट इज एन ईजी क्वेश्चन, यह एक सरल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसा है, ईजी है, इजी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना। अ फैट लेडी इज ईटिंग आइसक्रीम, एक मोटी औरत आइसक्रीम खा रही है, अब देखो लेडी की क्वालिटी बता दी है, लेडी कैसी है, फैट है, फैट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। सेवन, दिस इज अ प्रिटी डॉल, प्रिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ना, डॉल कैसी है, प्रिटी है। आई हैव अ स्मॉल पेंसिल, मेरे पास एक छोटी पेंसिल है, अब मेरे पास पेंसिल तो है लेकिन पेंसिल की क्या क्वालिटी बताएगी, पेंसिल कैसी है, स्मॉल है, छोटी है, स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नाइन, अ चाइल्ड स्लिप्ड ऑन द मडी वाटर, मडी ग्राउंड, कि चाइल्ड स्लिप कर गया, फिसल गया, कहाँ, कीचड़ वाले ग्राउंड में, तो कौन से ग्राउंड में वो स्लिप किया, ग्राउंड कैसा था, कीचड़ वाला था ना, मडी,
तो एडजेक्टिव हो जाएगा। टेन, आई एम वियरिंग अ न्यू शर्ट एंड ट्राउजर्स, मैंने एक नई शर्ट और ट्राउजर पहनी। अब देखो, मैंने नई शर्ट और ट्राउजर पहनी, मैंने कैसी ट्राउजर और शर्ट पहनी? नई पहनी ना, तो न्यू हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वही वर्ड्स होते हैं जो उसकी क्वालिटी बता रहे कि मतलब कोई चीज़ कैसा है, कोई चीज़ हो चाहे कोई इंसान हो, कोई भी हो, उसके बारे में जो बात बताई जा रही कि वो किस तरह का है, वो होते हमारे एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक्सरसाइज 3, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड द नेमिंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें बताना है इन सेंटेंसेस को पढ़िए, एक कॉलम में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा है, एक कॉलम में नेमिंग वर्ड्स लिखा है, तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वाले कॉलम में लिखना है और नेमिंग वर्ड्स यानी जिसके बारे में बात बताई जा रही हो उसको नेमिंग वर्ड में लिखना है, नाम। जैसे दिस इज अ शार्प नाइफ, यह एक धार वाला चाकू है, तो अब डिस्क्राइबिंग क्या क्वालिटी बताएगी कि वो शार्प है ना, और किसके बारे में बताया गया? नाइफ के बारे में बताया गया, चाकू के बारे में बताया गया ना, तो नाइफ हमारा हो जाएगा नेमिंग वर्ड्स और शार्प हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सेकेंड नंबर से था द क्वेश्चन वॉज ईजी, क्वेश्चन बहुत आसान था, तो इसमें हम किसके बारे में बात बता रहे हैं? क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, क्या ईजी था? क्वेश्चन ईजी था, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड्स हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसा था? आसान था, ईजी था ना, तो ईजी हमारा हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसी तरह थर्ड नंबर, हरी इज एन ऑनेस्ट मैन, हरी एक ईमानदार आदमी है। अब हरी कैसा आदमी है? ईमानदार आदमी, हरी के बारे में क्या क्वालिटी बताएगी? वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट हो जाएगा हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। और किसके बारे में बताया गया कि वो ऑनेस्ट है? हरी के बारे में बताया गया ना, हरी हो जाएगा हमारा नेमिंग वर्ड। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, आपको इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं और उसके नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं। सो दिस इज योर होमवर्क।